एक बार एक राजा बहुत उदास था। रानी ने पूछा, राजन क्या हुआ? तो राजा ने कहा, रानी बहुत बुरी खबर सुनी है। रानी ने कहा, क्या बुरी खबर सुनी है? राजा ने कहा, रानी हम युद्ध हार गए हैं। रानी ने कहा, बस मैंने इससे और बुरी एक खबर सुनी है। राजा हैरान हो गया, इससे बुरी खबर क्या हो सकती है भला? तो रानी ने कहा, महाराज युद्ध हारना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, पर उससे भी बड़ी बुरी खबर ये है कि हमारे देश का राजा हिम्मत हार गया है। युद्ध हार गए हैं, दोबारा जोर लगाओ, जीत जाएंगे, पर अगर हिम्मत हार गए तो उसका कोई इलाज नहीं होता है। तो इसलिए जिंदगी को देखने के लिए नजरिया बदलो और ध्यान दो, ईश्वर बड़ी शक्ति है, उसका साथ लो और उसको साथ लेकर के आप महसूस करेंगे कि जंगल में भी मंगल है, गरीबी में भी परमा आनंद है और उसके साथ में हर असफलता में भी सफलता की सीन आपको दिखाई पड़ते हैं और उन दृश्यों को देखते हुए आप उस सफलता की तरफ बढ़ते हैं और उसको हासिल कर लेते हैं, आपकी हिम्मत बरकरार रहती है। तो ध्यान दीजिए, फेलियर इज नथिंग, एवरी फेलियर इज ओनली स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स अ सक्सेस। और बहुत जल्दी मिल जाने वाली सक्सेस इट्स नथिंग, मे बी उसका गरूर आ जाए, ईगो आ जाए और आगे आने वाले मौके फेल हो जाए, खरगोश और कछुए की कहानी की तरह। इसलिए एक सफलता मिल जाने पर जल्दी से अभिमान नहीं करना चाहिए, वाह रे मैंने बहुत कुछ कर लिया। जिंदगी में बहुत से कदम अभी बाकी होते हैं, एक फेलियर मिल जाने पर निराश नहीं हो जाना चाहिए, बहुत सारे चांस बाकी हैं जिसमें आप बहुत कुछ पा सकते हो, बहुत कुछ दुनिया को दे सकते हो। इसलिए विश्वास रखो, विश्वास है बड़ी जीत, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड है बड़ी सक्सेस, हिम्मत न हारना ये है आपकी बहुत बड़ी दौलत। और सदा आपके जो भी क्रिटिक है, जो भी अपोजिशन फोर्स है, उसके लिए भी पॉजिटिव बने रहना कि आज नहीं तो कल ये सब मेरी फेवर में आ जाएंगे। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत तेज करंट की तरह एटमॉस्फेयर को चेंज कर देगी और जो अपोजिशन फोर्स था वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी करके आपके फेवर में आने लग जाएगा। तो ठीक समझें इस बात को, परमात्मा को दोस्त बनाने के लिए रोज थोड़ा उसके लिए टाइम निकालें, थोड़ा सुबह थोड़ा शाम दिल की बातें करें उससे, बड़ा प्यारा दोस्त है, आपकी बातों का जवाब देगा और आपका मन हल्का करता रहेगा और मन ही मन आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस सुझा देगा। आजमा के देखिए, खुदा को दोस्त बनाकर देखिए, जिंदगी की राहें सरल हो जाएंगी, जीना आसान हो जाएगा, हर हाल में सफलता का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति।